हेलो गाइस वेलकम टू कोचैम्प मेरा नाम निकिता है और इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट विंडो ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म यूजिंग थर्टी टू एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो ये चल रहा है हमारा पार्ट फोर जिसमें हमें लिखना है विंडो प्रोसीजर इसके पहले हमने थ्री पार्ट में कवर किया था जैसे कि डब्ल्यू एन डी क्लास स्ट्रक्चर है उसके जो मेम्बर्स है उनको वैल्यूज दे हम हमारी विंडो की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर चुके हैं उसके बाद हमने विंडो को रजिस्टर किया है उसको क्रिएट किया मेमोरी में उसको शो किया एंड अपडेट किया ओके आफ्टर दैट हमने ये देखा कि मैसेज लूप जो है वो क्या कंसेप्ट है और मैसेज लूप कैसे वर्क करता है मैसेज लूप के कारण जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है हमारा जो कि यूजर इंटर हमारे विंडो के साथ ऐड करता है तो वो कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी की है तो इस पार्ट फोर में हम देखने वाले विंडो प्रोसीजर क्या है उसको कैसे लिखना है ओके विंडो प्रोसीजर इज अ कॉल बैक ओके विंडो प्रोसीजर कब कॉल होती है जब हमारे विंडो पे यूजर क्लिक कर रहा है कोई इवेंट परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडो को दौड़ के आती है और बोलती है कि विंडो uh, विंडो तुम पे यूजर कुछ क्लिक कर रहा है कुछ काम कर रहा है रिस्पोंड यूजर राइट तो ओ एस हमसे कम्युनिकेट करेगी हमसे मतलब हमारे विंडो से कैसे कम्युनिकेट करेगी तो इस विंडो प्रोसीजर के थ्रू तो इसे बोला जाता है कॉल बैक क्यों क्योंकि इसे आप कॉल नहीं करते इसे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताती है कि इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए इनका टाइप क्या होना चाहिए इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होना चाहिए तो ये सारा जो प्रोटोटाइप है कॉल बैक का डब्ल्यू एन डी प्रॉक का ये सब कौन बताता है ओ एस बताती है हमें सिर्फ उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करना है ओके ओके तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो इसका सबसे पहले नाम क्या होना चाहिए तो इसका नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं डब्लू एन डी क्लास स्ट्रक्चर का एक मेंबर है एल पी एफ एन डब्ल्यू एनडी प्रॉक ओके तो ये है लॉन्ग पॉइंटेड टू फंक्शन तो इसलिए यहाँ पे जो नाम दिया है हमने वो होगा हमारे विंडो प्रोसीजर का नाम ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन जो नाम आपने स्ट्रक्चर में दिया है सेम नाम यहाँ पे देना है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपके विंडो प्रोसीजर को कैसे सर्च करेगी राइट right? तो वो आपके डब्ल्यू क्लास स्ट्रक्चर के उस मेंबर का वैल्यू देखेगी ओके okay? चलो फिर देखते हैं इसका रिटर्न टाइप क्या है इसका रिटर्न टाइप है एल रिजल्ट ओके एल रिजल्ट इज देखो आप टाइप डेफ है लॉन्ग बीटीआर के अब जैसे कि विनमेन के साथ हमने एक नई चीज सीखी थी वो थी विन एपीआई जो होती है कॉलिंग कन्वेंशन ओके कॉलिंग कन्वेंशन इज कि आपके फंक्शन को जो कोई भी कॉल करता है तो फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज लेफ्ट टू राइट भेजता है या राइट टू लेफ्ट भेजता है तो विन मेन के लिए वो था विन एपीआई और डब्ल्यू एनडी प्रॉक के लिए वो होगा कॉल बैक ठीक है अब इसका जो पैरामीटर लिस्ट है डब्ल्यू एनडी ब्रॉक का वो ऐसा है कि सबसे पहला है विंडो का हैंडल ओके okay? तो कौन सी विंडो कौन सी विंडो का मैसेज है ये तो एच डब्ल्यू एन डी ओके उसके बाद आता है मैसेज कौन सा है तो मैसेज है यू आई एन टी आई एम एस जी विल से उसके बाद आता है जो भी मैसेज के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अर्लियर कि एक्स्ट्रा uh, इन्फॉर्मेशन जैसे की प्रेस है तो कौन सी की प्रेस ए जेड एस डी ओके तो वो वैल्यू तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हमें डब्ल्यू पी एल पेर के साथ मिलती है यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करना जरूरी है की uh, हर मैसेज का डब्ल्यू पी एल पेर अलग अलग होगा क्योंकि हर मैसेज का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग होगा जैसे माउस क्लिक है तो माउस क्लिक के लिए W-पैरामेल तो तो अलग अलग होगा और एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे यू आई एंट्री मैसेज क्यों लिखा है तो मैंने आपको बताया था जो विंडो मैसेजेस है उनके लिए है, राइट तो मैं एक मैसेज आपको बता चुकी हूँ जो कि कंपलसरी है जिसको हैंडल करना और वो है डब्ल्यू एम अंडर स्कोर ओके तो जैसे ये डिस्ट्रॉय के नाम से समझ में आ रहा है आपकी विंडो को जैसे ये डब्ल्यू एन डी क्यों लिख रहे हैं कि जो भी मैसेजेस आएंगे इनको हैंडल करो तो ऑल मैसेजेस हैंडल करना कंपलसरी नहीं है लेकिन एक मैसेज हैंडल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके विंडो को क्लोज करता है आपकी विंडो को डिस्ट्रॉय करने वाला है वो राइट right. तो डिस्ट्रॉय करना क्यों इतना जरूरी है अगर आप अपनी विंडो को क्लोज करने का ऑप्शन नहीं देते हो तो आपकी विंडो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी कब तक पता नहीं कब तक ओके okay? मतलब जस्ट जैसे शटडाउन हो गया या कोई ऐसा इंसिडेंट होता तो ही आपकी विंडो क्लोज होगी लेकिन यूजर को आपने ये परमिशन नहीं दिया है इट इज इट इज नॉट रिकमेंडेड ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट है और क्लोज देना ही चाहिए ओके okay? तो वो जो मैसेज है उसका जो हैश डिफाइन कह रही थी इसलिए यहाँ पे मैसेज वो ऐसे आएगा उसको हम स्विच डालेंगे ठीक है तो चलो फिर स्विच लगाते हैं कंपलसरी मैसेज एक है हैंडल करना अभी हम उसको हैंडल करेंगे ठीक है चलो स्विच अब स्विच के अंदर यहाँ पे किस पे स्विच लगाएंगे मैसेज पे ओके okay, कौन सा मैसेज है कौन सा मैसेज हम हैंडल करना चाहते हैं केस यहाँ पे देखोगे आप डब्ल्यू एम इज विंडो मैसेज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस है डिलीट आइटम डिस्ट्रॉय ड्रॉप फाइल्स गैश्चर मैं और भी आपको बता देती हूँ जैसे क्रिएट है उसके बाद पेंट है एंड मैनी अदर लाइक एल बटन डाउन डाउन की डाउन है जिसे हमें हैंडल करना है तो चलो फिर लिखते हैं डब्ल्यू एम एंडस को डिस्ट्रॉय और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में पार्ट थ्री में कि डब्ल्यू एम डिस्ट्रॉय के अंदर हम क्या करते हैं आने के बाद पोस्ट करते हैं क्विट मैसेज को और क्या पास करते हैं जीरो ये जीरो वो है जो हम लाइक मैंने बोला था जब गेट मैसेज को डब्ल्यू एम अंडर स्कोर क्विट मैसेज आएगा तभी गेट मैसेज जीरो रिटर्न करेगा और आपका ये लूप टर्मिनेट होगा राइट और फिर इस जी के अंदर गेट मैसेज जी के डब्ल्यू पैरा में जीरो सेट करेगा और यहां से हमने उस वैल्यू को रिटर्न किया है जो है, okay, कि एप्लीकेशन का एग्जिट स्टेटस बताती है है कि सक्सेसफुली एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ है ओके okay? तो इसलिए यहां से हमने पोस्ट किया है क्विट मैसेज और इसके बाद इसके बाद इस केस को हम करेंगे ब्रेक ओके okay? अब एक मैसेज तो हमने हैंडल कर लिया है इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे जो हमें नोटिस करना जरूरी है हैंडल करना जरूरी है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही मैसेज को हैंडल किया है देर आर मेनी मैसेजेस जो हैंडल नहीं हो रहे राइट right? और उनको आप हैंडल करना भी नहीं चाहते हो क्योंकि वो इंटरएक्टिविटी मैं चाहती हूँ कि मेरा यूजर अगर एल बटन डाउन क्लिक करता है मेरे विंडो पे, तो कुछ ना हो राइट right? लेकिन बहुत सारे मैसेजेस है तो उनको कौन हैंडल करेगा तो ये जो जिम्मा है बाकी सारे मैसेजेस को हैंडल करने का ये लिया है डेफ विंडो प्रॉक ने ठीक है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसको सेम पैरामीटर्स पास होते हैं जो कि डब्ल्यू प्रॉक के है तो इसे यहां पे हम एंड में कॉल करते स्विच के बाहर आने पर और यहीं से रिटर्न होता है ये ओके क्यों क्योंकि दिस इज फॉर रिजल्ट कि कोई मैसेज हमसे मिस हो जाते हैं जो हम हैंडल नहीं करना चाहते तो वो जो कंट्रोल है हमारे एप्लीकेशन से कंट्रोल किसे पास किया जाएगा डब्ल्यू uh, मतलब जो डेफ विंडो uh, uh, की जो मेन विंडो है ओके okay, सबकी जो फादर सब है तो उस विंडो का जो विंडो प्रोसीजर है उसको कॉल जाएगा उसको ट्रांसफर होगा कंट्रोल और वहां पे बाकी सारी चीजें हैंडल होंगी और जो भी रिटर्न करना होगा वैल्यू वो यहाँ से रिटर्न होगा तो यहां हमने देख लिया है कि विंडो प्रोसीजर कैसे लिखना है एंड नाउ हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने टोटल चार सेक्शंस में हमारा कोड कंप्लीट कर लिया है और फाइनली हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये जो विंडो है वो कैसे दिखने वाली तो चलो फिर इसे कंपाइल करते हैं लिंक करते हैं और देखते हैं आउटपुट मैंने इसे कंपाइल करने के लिए आ, यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2017 का डेवलपर कमांड रॉम और यहाँ पे हम इसे मैंने सी करके उस लोकेशन पे लाया है अब इसको देंगे हम सी एल डॉट इज ए कमांड सी एल डॉट तो ये कंपाइल करेगा ओके okay? हमारी फाइल का नाम है उसके बाद देना है ऑप्शन हाइफन सी अगर हम सी एल डॉट ई एक्सी को ऑप्शन नहीं देते तो वो डायरेक्टली कंपाइल लिंक दोनों कर लेगा लेकिन हम अलग अलग सेक्शंस में करेंगे तो सी दिया है मैंने और ई एच एस सी एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं कंपाइल करके हियर yes, और ये बोल रहा है कि सेइंग दिस क्योंकि हमने इस कॉल uh, बैक को इस फंक्शन को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए ये हमें ऐसी एरर दे रहा है चलो देखते हैं। सक्सेसफुली yes, अब हम इसे करना चाहते हैं लिंक और लिंक करने के लिए फाइल का नाम सिर्फ डॉट सी नहीं चाहिए और ऑल्सो देखते हैं एक एरर आएगी अब हम उसको देखेंगे Yes. कुछ external symbols की error आ रही है, राइट right? ये क्यों आ रही है तो जैसे कि ये आप देख सकते हो, जो-जो हमने किए हैं के, उनको ये link नहीं नहीं कर कर पा रहा है. Link क्यों नहीं कर रहा है। है? क्यों क्योंकि हमने लाइब्रेरीज इसको दी नहीं है लिंक तो वो लाइब्रेरीज अब, अब हम देंगे तो वो लाइब्रेरीज का नाम देख लीजिए यूजर थर्टी टू डॉट लेब जी डी आई थर्टी टू डॉट लेब और कर्नल थर्टी टू डॉट इन तीनों को देने के बाद ये लिंक कर लेगा ओके सक्सेसफुली लिंक हो चुका है अब हमें हमारी विंडो देखनी है तो कैसे मैं टैप कर रही हूं जस्ट ए हमारी यहाँ पे बन चुकी है इसको एंटर करेंगे और देखेंगे हमारी विंडो यस तो ये आ चुकी है हमारी विंडो जहाँ पे फर्स्ट विंडो अंडर स्कोर कोर्ट नाम दिख रहा है आपको इसमें ये सारे बटन्स भी है जैसे हमने बोला था कैप्शन बार टाइटल बार वो जो डब्ल्यू एस अंडर स्कोर ओवरलैप्ड विंडो जो स्टाइल है बॉर्डर विंडो का उसके बाद बैकग्राउंड इसका ब्लैक है ब्लैक ब्रश की वजह से और इसको हम अब क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएगी राइट चलो इसे क्लोज करते हैं तो ये क्लोज क्यों हुई क्योंकि हमने डब्ल्यू एम अंडर डिस्ट्रॉ मैसेज को हैंडल किया है जैसे कि मैंने बोला था आपको वो जो ब्लैक ब्रश है उसको हम थोड़ा चेंज करके चेक कर सकते हैं तो इसे हम ब्लैक की जगह आप करेंगे व्हाइट और देखते हैं चेंज क्या आता है वाइट ब्रश तो अब जो बैकग्राउंड है विंडो को क्या होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए चलो इसे वापस हम कंपाइल करेंगे एंड लिंक uh, करेंगे Yes, देखो हो गया इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो चुका है सो वी हैव सक्सेसफुली कम्पलीटेड क्रिएटिंग आर ओन थर्टी टू विंडो फर्स्ट विंडो इसको हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंजॉय कोरिंग कीप कोरिंग